Hey guys, welcome back to my YouTube video. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे. So guys, मैंने Flipkart से ट्राईपॉड ऑर्डर किया था जो कि आ गया है. तो ट्राईपॉड ये रहा. वैसे तो मैं ब्लॉग यहाँ से भी कर सकता हूँ, पर मैं जो इसे लिया है मैं आपको दिखाऊंगा. मैंने इसे लेने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो चलो इसे रीओपन करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम रीओपन करेंगे. तो ये निकाल दिया है. इसके अलावा भी कुछ देखेंगे है या नहीं. तो इसके अंदर कुछ भी नहीं तो खाली है. जैसे देखते हैं ये हमारे सबसे मेन चीज़ आ गया है. क्या ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी में रहता है, ये निकालने में प्रॉब्लम हो रही है. ये तो ये बहुत ज़्यादा भारी है. तो गाइस हम इसके वेट की बात करें तो 300 ग्राम से ऊपर है. और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसे हम किसी भी साइज पे मोड़ सकते हैं, किसी भी साइज पे किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं. और इसे मोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हो. इसे मोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ये मुड़ गया ये, और इसे आप उसी तरह सीधा भी कर सकते हो. आप इसे सीधा भी कर सकते हो, सीधा हो गया. सो गाइस अभी हम बात करेंगे इसके बॉल के बारे में. ये तो यहाँ से खुल भी जाता है चाहते. और यहाँ पे हम कैमरा सेट करके यहाँ से कैमरे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं. और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ से ये टाइट फिट ढीला हो जाता है, क्योंकि हर ट्राइपॉड में नहीं ऐसा नहीं होता है ये. और हम यहाँ से भी खुल जाता है, जैसे कि हम अगर कैमरे शूट करना चाहते हैं और इसे हम किसी तरफ मोड़ना चाहते हैं तो हम कैमरे शूट करके यहाँ से मतलब यहाँ से खोल के यहाँ से हम कैमरा सेट करके यहाँ से कैमरा सेट करेंगे ढीला करके किसी भी साइज में मोड़ के और इसमें कैमरे से ब्लॉगिंग कर सकते हैं. तभी इस चीज़ हम सेट कर देंगे. हमने सेट कर दिया और ये यहाँ से ये भी खुल जाता है. ये यहाँ से खुल जाएगा. ये साइज यहाँ से ऐसे तीनों खुल जाते हैं. ये खुला ये पहले से खुल जाता है. ये सिर्फ शोपीस के लिए है. अब हम बात करते हैं इसके बारे में. ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. मेरे पास और भी ट्राईपॉड है जिसमें इस तरह की मजबूती नहीं है. ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है. इसमें फ़ोन या फिर कुछ भी गिरने की संभावना ही नहीं है. जिसे हम ये सेट करेंगे यहाँ पे. इसमें इसे दो साइज रहता है. इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से सेट कर सकते हैं. तो हम यहाँ से इसे सेट करेंगे. ये हमने सेट कर दिया. ये खास ब्लॉगिंग में इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो हम हाथ से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि हाथ से ब्लॉगिंग करने में और इससे ब्लॉगिंग करने में क्या फायदा है. तो गाइस अभी अपने हाथों से शूट कर रहा हूँ. आप देख सकते हो मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे. और मुझे थोड़ा टेढ़ा भी होना पड़ता है जो कि मैं अच्छे से नहीं कर पाता हूँ. और मैं फ़ोन को उंगली से पकड़ा हूँ तो फ़ोन गिरने का चांस है. और मेरी उंगली में भी काफ़ी दर्द हो रहा है. तो अभी तो ये हाथ का हो गया. और कहीं भी यार घूमने जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो गिरने का चांस ज़्यादा है. तो फ़ोन गिरने का चांस ज़्यादा है, तो फ़ोन गिर भी सकता है. और अभी हम ट्राईपॉड से वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे कैसा व्यू आ रहा है. ये ट्राईपॉड से शूट करते हैं. सो गाइस अभी मैं ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मैं ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ, मेरे हाथ में भी दर्द नहीं हो रहा है. मैं काफ़ी अच्छे से ट्राईपॉड को पकड़ा हूँ. और मैं फ़ोन को कितना भी हिलाऊँ, कितना भी मेरा फ़ोन हिले, कितना भी हिलाऊँ ऐसे कितना भी हिलाऊँ, मेरा फ़ोन गिरने वाला है ही नहीं. मतलब मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो कहीं भी अगर फ़ोन को ले जा रहा हूँ तो मेरा फ़ोन तो एक बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मेरा फ़ोन गिरने वाला है. मेरा फ़ोन गिरने बिल्कुल नहीं गिरने वाला है. देख सकते हो आप बिल्कुल इतना अच्छा व्यू आ रहा है. और मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है. कहीं पर हम घूम रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं तो ट्राईपॉड से अच्छे से शूट कर सकते हैं वीडियो. इसलिए मैंने ट्राईपॉड लिया. हाथ में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, ट्राईपॉड से शूट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और मैं मोबाइल से शूट करता, हाथ से शूट करता तो फ़ोन गिरने का चांस था. पर अभी ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ तो फ़ोन गिरने का चांस बिल्कुल भी नहीं है. तो ये तो हो गया फ्रंट कैमरे का. और हम कहीं पर घूम रहे हैं, ये कहीं मैं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को. अच्छे से पकड़ा हुआ मैं ट्राईपॉड को, अच्छे से पकड़ा हुआ है तो फ़ोन गिरने का चांस ही नहीं है. और आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो. और फ़ोन ज़्यादा हिलता भी नहीं है. तो ये हो गया फ्रंट कैमरे का. अभी हम बैक कैमरे की बात करते हैं. बैक कैमरे में क्या कैसा होता है तो बैक कैमरे का दिखाता हूँ. बैक कैमरे में शूट करने में क्या तकलीफ होती है हाथ से, तो ये मैं बैक कैमरे से शूट करके दिखाऊंगा कि और मैं हाथ से बैक कैमरे से शूट करता हूँ तो क्या तकलीफ होती है और ट्राईपॉड में क्या कैसा लगता है. ले ट्राई बैक कैमरे से चेक करते हैं.
थोड़ा मैंने दो उंगली से फोन को पकड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा भी चलूंगा तो फोन तुरंत गिर ही जाएगा। और अगर मैंने दूसरी के लिए अगर मैंने स्टेप पकड़ी वहाँ पे स्क्रीन पे तो फोन की वीडियो बंद हो जाएगी और पकड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने हाथ से फोन को पकड़ा हुआ है बैक कैमरे से, तो आप देख सकते हो काफी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पकड़ नहीं आ रहा है। आप खुद ही एक बार ट्राई करना अगर हाथ से बैक कैमरे से, तो आपको पता चल जाएगा कैसा प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम बैक कैमरे से ट्राइपॉड से शूट करते हैं, कैसा होता है, कितना अच्छा लगता है, मजा आता है कि नहीं, तो आपको दिखाऊंगा बैक कैमरे से ट्राइपॉड से। सो गाइस अभी मैं ट्राइपॉड से वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ बैक कैमरे से, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ट्राइपॉड से वीडियो देखने में बैक कैमरे से। और मैं कितना भी घूम रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फोन गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। कितना भी अच्छे से घूमूं, कुछ भी करूँ, तो फोन गिरने के चांस तो है ही नहीं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फोन भी हिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक कैमरे शूटिंग में। तो आप भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने ट्राइपॉड किसी ने लिया क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ट्राइपॉड ले लिया, आप अच्छे से शूटिंग होगी, अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊंगा। तो बैक कैमरे से आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है, कितना मस्त व्यू आ रहा है, और अच्छे से मैं घूम पा रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, आप देख सकते हो सब कुछ अच्छे से देख सकते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को मजा आ रहा है। तो गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कई पसंद में ना आए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, पर ये काफ़ी अच्छा निकला, काफ़ी अच्छा है ये। तो आप भी अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग शूट करना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो। और गाइस बहुत लोग बोल रहे थे मेरे एल्बम के लिए, मैं एल्बम भी बहुत जल्दी शूटिंग करूंगा, मेरे को खुद देते हैं मेरे एल्बम का, तो उसकी शूटिंग भी जल्दी करूंगा। और गाइस थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 7,000 सब्सक्राइब हो गए, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और जल्द से जल्द मेरे 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि ताकि जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए